हेलो भाई, गुड मॉर्निंग। मैं प्रोफेसर के कुंदन, मोटिवेशनल स्पीकर, कैरियर काउंसलर, और आज मैं आपका एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनी का, बीकॉम सेकेंड ईयर एब्जॉर्प्शन ऑफ कंपनी का प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बताने वाला हूं। आज के वीडियो में मैं आपका प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1 और 2 बताने वाला हूँ। यार एक बार ध्यान दीजिएगा, 1 और 2 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पता है, एक बात आप याद रखिएगा। देखिए, मैक्सिमम टाइम आपका पटना यूनिवर्सिटी, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का जब एग्जाम, एक एग्जाम हुआ था तो उसी एग्जाम में, या फिर आपका मगध यूनिवर्सिटी में जब जब एग्जाम हुआ है ना यार, तो आपका क्वेश्चन में आप देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक किसी भी ईयर का पलट करके, या तो आपका एग्जाम्पल 2 या फिर क्वेश्चन नंबर 1 या 2 मैक्सिमम टाइम पूछा गया। जब भी एब्जॉर्प्शन का क्वेश्चन आए, यह 3 क्वेश्चन से ही एक क्वेश्चन सिलेक्टेड रहा। आप मिला करके देख लीजिए, क्वेश्चन बैंक यार पलट के देख लीजिए, किसी भी साल का जब भी एब्जॉर्प्शन होगा, यही 3 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन सिलेक्टेड रहेगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, बहुत ज्यादा छोटा लग रहा है देखने में क्वेश्चन, लेकिन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार। ठीक है, ध्यान दीजिएगा और अच्छे से समझिएगा। ठीक है, चलते हैं वीडियो की तरफ, ध्यान दीजिए। हाँ गाइस, तो हम लोग वर्किंग नोट में चलते हैं। वर्किंग नोट नंबर 1, ध्यान दीजिएगा। पता है एक बात, इस क्वेश्चन में आपका बैलेंस शीट गिवेन नहीं है, स्टेटमेंट इंफॉर्मेशन जैसा दिया हुआ है, बैलेंस शीट गिवेन नहीं है। सबसे पहला काम आपका होगा बैलेंस शीट को प्रिपेयर करना। यार एक बात, जो भी क्वेश्चन है बैलेंस शीट नहीं रहेगा, तो सबसे पहला काम आपका होगा मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए हम बना रहे हैं यहां पे वर्किंग नोट नंबर 1। ध्यान दीजिए, पता है जब भी आपके क्वेश्चन में नहीं रहेगा बैलेंस शीट गिवन, सबसे पहला काम आपका होगा आपको मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाना है, मेमोरेंडम बैलेंस शीट। ठीक है, इसमें आपका बैलेंस शीट जैसा इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा, बस आपको पुट करना है। यह आपका मेमोरेंडम बैलेंस शीट है। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन नंबर 1 में देखिएगा, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में आपका दिया हुआ है। हाँ देखिए, यह आपका क्वेश्चन नंबर 1 में दिया, रोहित लिमिटेड एब्जॉर्ब द बिजनेस ऑफ मोहित लिमिटेड, शेयर कैपिटल, क्रेडिटर एंड डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 90,000 यहाँ पे दिया। यहाँ देखिए, सबसे पहले आपका दिया हुआ है शेयर कैपिटल, यहां देखिएगा शेयर कैपिटल आपका कितना दिया हुआ है, 90,000 का। ठीक है, यहां पे दे रहा है ईच वैल्यू 1 और पेड अप 50 पैसा, मतलब 1 रुपया 50 पैसा ही पेड किया हुआ था। ठीक है, शेयर होल्डर का। उसके बाद दे रखा था आपका क्रेडिटर, तो क्रेडिटर हमारा लाइबिलिटीज होता है, क्रेडिटर था दिया हुआ आपका 10,500, 10,500 पक्का। अब देखिए, उसके बाद आपका प्रॉफिट एंड लॉस था, ध्यान रखिएगा प्रॉफिट एंड लॉस का 2 बैलेंस होता है, पहला बैलेंस आपका होता है क्रेडिट बैलेंस और दूसरा बैलेंस होता है आपका डेबिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस वाला प्रॉफिट एंड लॉस आपका प्रॉफिट होता है, लेकिन वही आपका डेबिट बैलेंस ऑफ रहेगा ना प्रॉफिट एंड लॉस, वही आपका डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस रहेगा, मतलब वह आपका लॉस बैलेंस है। ठीक है, तो लॉस बैलेंस जब भी डेबिट बैलेंस में रहेगा ना प्रॉफिट एंड लॉस, हम उसको एसेट साइड में लिख देंगे। तो यहां लिख देंगे प्रॉफिट एंड लॉस, ऐसे ब्रैकेट में लिख देंगे डेबिट बैलेंस। ठीक है, और कितना था इसका अमाउंट, यहां पर दिया हुआ है आपका प्रॉफिट एंड लॉस का 36,600। इसके अलावा बैलेंस शीट का कोई और इंफॉर्मेशन आपके बुक में नहीं दिया हुआ, मतलब क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ। ठीक है, अब यहां पे टोटल कर लेंगे,
देखिए यहाँ पे अगर सन्ड्री एसेट दिया हुआ रहता और बैलेंसिंग फिगर आता तो प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से डालते, लेकिन यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है, ठीक है, तो हम यहाँ पे डाल देंगे बैलेंसिंग फिगर सन्ड्री एसेट्स और यहां पे लिख देंगे बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। यहां पे देखिए 1,500, 1,500 में आप माइनस कर लीजिए आ जाएगा आपका 63,900। यह आपका वर्किंग नोट नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। मेमोरेंडम बैलेंस शीट वर्किंग नोट नंबर 1 पूरी तरह से आपका कंप्लीट हो गया। मेमोरेंडम बैलेंस शीट यह पूरी तरह से कंप्लीट, वर्किंग नोट नंबर 1 पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट। चलते हैं वर्किंग नोट नंबर 2 की ओर। ध्यान दीजिएगा वर्किंग नोट नंबर 2 बहुत ज्यादा खास है, इसमें थोड़ा सा अच्छा से माइंड मेमोरेबल है। वर्किंग नोट नंबर 2 1 अच्छे से राइट डाउन कीजिए। वर्किंग नोट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइज, वर्किंग नोट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। वर्किंग नोट नंबर 2 इंपॉर्टेंट भी है, अच्छा भी है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। पता यार यहाँ पे डिफिकल्ट थोड़ा दे दिया, मतलब अजीब। इसका एक और तरीका है, वह भी तरीका आपको बता दूंगा। वर्किंग नोट करके मैं आपको चैट बॉक्स में वह डाल दूंगा। थोड़ा सा वो माइंड मेमोरेबल नहीं है, यहां देखिएगा बता रहा हूं। जैसे देखिए यहां पे आपका टोटल नंबर ऑफ शेयर, ये वर्किंग नोट नंबर आपका 2 है। वर्किंग नोट नंबर 2 टोटल नंबर ऑफ शेयर ऑफ मोहित ऑफ मोहित लिमिटेड, टोटल नंबर ऑफ शेयर मोहित लिमिटेड। देखिए यहां पे 90,000 का शेयर था, 90,000 का शेयर था, ठीक है। और यहां पे रोहित लिमिटेड को यह बोल रहा है क्या चीज कि जब तुम एब्जॉर्ब कर रहे हो तो हमारे शेयर का वैल्यू तुम 1.25 इंच कर दो, 1.25 इच कर दो। अब देखिए यहां पे, तो यहां पे टोटल परचेज प्राइस बराबर, टोटल 90,000 का शेयर था, ठीक है, 90,000 का शेयर था, और जिसमें बोल रहा है क्या चीज कि इच वैल्यू 1.25 कर दो, मतलब उसका 1 रुपया वैल्यू था, लेकिन बोल रहा है कि जब, मतलब जब एब्जॉर्ब करेगा मोहित लिमिटेड को, तो वह उसका शेयर को अपनी कंपनी में कन्वर्ट करेगा ना यार, तो यहां पे कन्वर्ट करेगा, तो बोल रहा था कि अब तुम हमारे शेयर का वैल्यू 1.25 में कन्वर्ट करो। तो यहां पे 90,000 टोटल उसका कैपिटल था और 1.25 बोला कन्वर्ट करने के लिए, तो यहां पे 90,000 उसका कैपिटल का वैल्यू था और बोल रहा इच का करो 1.25 में कन्वर्ट, तो यहां पे वह 72,000 यहाँ पे कन्वर्टेबल वैल्यू क्या आ गया हमारा 72,000 का। 90,000 का था वहां पे शेयर उसका कैपिटल और 1.25 इच वैल्यू करने बोल रहा था कि 1.25 में कन्वर्ट कर दो, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना उसका हो गया 72,000 शेयर। मतलब पहले जो रोहित मोहित लिमिटेड का शेयर 90,000 का था, अब उस शेयर का जो मेन वैल्यू होगा कितना हो गया 72,000, और इस वैल्यू को वह लेने के लिए बोला, लेकिन यह भी बोला क्या कि हम रोहित लिमिटेड में कुछ शेयर को अक्वायर करेंगे, हम रोहित लिमिटेड में शेयर को क्या कर लेंगे अक्वायर कर लेंगे, पैसा नहीं लिया बल्कि यह बोला कि हम तुम्हारे कंपनी में शेयर को अक्वायर करेंगे, क्या करेंगे अक्वायर करेंगे। यहां पे मेंशन नहीं कर रहा है कि पैसा लिया चाहे क्या ले रहा है, यहां पे बोल रहा है कि अक्वायर कर ले रहा है शेयर को। जैसे ही बताते एक बार समझिएगा, आम जब मतलब कोई भी कंपनी में जब हम एब्जॉर्प्शन कर रहे थे तो वहां पर क्या था कि जो कंपनी अक्वायर हो रहा है वह कंपनी यह बोल रहा था क्या चीज कि देखिए जब आप अक्वायर कर रहे हो तो हमें यह परचेज कंसिडरेशन में चाहिए, लेकिन इस क्वेश्चन में अक्वायर का ऐसा कुछ भी नहीं बोला,
वह बोला कि 90,000 का हमारा कैपिटल वैल्यू है, इच वैल्यू तुम 1.25 कर दो। तो यहाँ पे 90,000 का शेयर 1.25 कर दिया, मतलब 72,000 रोहित लिमिटेड में 72,000 का यह शेयर जाना जाएगा। और बोला क्या चीज, इसी शेयर को तुम हमको दे दो, 72,000 का जो शेयर था हम शेयर ही लेंगे, हम पैसा नहीं लेंगे, हमें कुछ और डिवेंचर नहीं चाहिए, बल्कि जब तुम इस शेयर को रोहित लिमिटेड में कन्वर्ट कर दियो तो हमें यही जो 72,000 है या हम लोग शेयर होल्डर में तुम बांट दो, इसके बदले हमें पैसा नहीं चाहिए। लेकिन एक बात समझिए क्या था ना, यहाँ पे हमारा परचेज कंसिडरेशन 72,000 निकल गया, लेकिन एक बात जानिए यहाँ पे कुछ और भी बोल रहा है निकालने के लिए। एक्चुअल में मोहित लिमिटेड का शेयर का वैल्यू 0.50 ही पेड अप था, कितना था पेड अप, 0.50 पेड अप था। तो यहां पे समझिएगा, अनदर गिवेन बाय शेयर एक्सेस शेयर गिवेन बाय रोहित लिमिटेड, ध्यान दीजिए यहां पे एक्सेस शेयर गिवेन बाय रोहित लिमिटेड, यहां पे टोटल 90,000 का था उसका शेयर, पेडअप कितना था 0.50, मतलब यहां पे 45,000 का था, 45,000 का था, और ईच का वैल्यू वह कितना करवा दिया था 1.25 ना, 1.25 करवा लिया था, और बोल रहा था कि हमें हर शेयर 0.40 में हम परचेज कर लेंगे, 0.40 में वह ले रहा है। दाम शेयर का कितना था रोहित लिमिटेड के शेयर का दाम 1.25, लेकिन मोहित लिमिटेड बोला कि हम उसको अक्वायर करेंगे और बस हम कितना देंगे उसका 0.40 देंगे। तो यहां पर वह ऑलरेडी चौदह हजार चार सौ। अब देखिए यहां पे, तो यहां पे एक्स्ट्रा जो वैल्यू था वह मोहित लिमिटेड पेड कर दिया, बोला क्या चीज कि ले लो 14,400 हमसे, लेकिन हमको तुम अपने कंपनी में शेयर का हिस्सा दे दो, हमको पैसा नहीं चाहिए। तो यहां पर शेयर ऑफ रोहित लिमिटेड गिवेन, देखिए यार एक बात बता रहा हूं ध्यान समझिएगा, 72,000 टोटल परचेज कंसिडरेशन हुआ, लेकिन अपना उन सब का शेयर होल्डर जो था अपने पास में रखे हुए था, यहाँ पे 45,000 का था क्योंकि 90,000 का शेयर था, 0.15 पे डक था, तो 45,000 का शेयर जिसमें अब एक कदम एक 1.25 है क्योंकि वह रोहित लिमिटेड में कन्वर्ट हो गया, तो बोला क्या चीज की 0.40 उसका वैल्यू हम मेजर करके लेंगे। तो 14,400 का शेयर उन लोग ऑलरेडी अपने पास रखे हुए था, जो पहले मोहित लिमिटेड के नाम का था अब रोहित लिमिटेड के नाम का कन्वर्ट हो गया, तो 14,400 का शेयर उन लोग ऑलरेडी रखे हुए था, और टोटल परचेज कंसिडरेशन हमारा कितना निकला 72,000 का, 72,000 का। तो यहाँ पे एक्स्ट्रा और जो शेयर रोहित लिमिटेड को देना पड़ेगा, तो टोटल 72,000 का शेयर था जिसमें से 14,400 का शेयर वह ऑलरेडी सब लोग अक्वायर किए हुए थे, कन्वर्ट हुआ था उन्हीं के पास रहा, तो 14,400 का शेयर तो ऑलरेडी वहां रखे हुए थे। अब देखिए तो एक्स्ट्रा शेयर जो है वो कितना का था, यहां देखिए 72,000 टोटल परचेज कंसिडरेशन था जिसमें से 14,400 का वह ऑलरेडी रखे हुए थे, मतलब एक्स्ट्रा जो शेयर देना पड़ेगा वह कितना हो जाएगा 57,600 का। फिर से समझ लीजिए, फिर से बता देता हूं, देखिए दर टोटल नंबर ऑफ शेयर मोहित लिमिटेड का था 90,000 का, क्लियर यहां तक, नो डाउट। परचेज प्राइस बोला क्या चीज कि जब तुम मेरे कंपनी के शेयर को अक्वायर करोगे तो उसका वैल्यू अपने कंपनी मतलब रोहित लिमिटेड के नाम करो 1.25, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर हो गया 72,000 का, यही उसका शेयर क्योंकि 1 रुपया पर शेयर था, तो परचेज प्राइस 72,000 माने, ठीक है। अब क्या हुआ कि बोला क्या चीज ठीक है, अब तुम 72,000 का भी हो तो 72,000 का शेयर जो हो गया हमारे कंपनी का शेयर कितना हो गया 72,000, तो अब हमको पैसा नहीं चाहिए बल्कि 72,000 हमें रोहित लिमिटेड में शेयर ही दे दो, उसके बाद कुछ नहीं दो, 72,000 का हमें रोहित लिमिटेड कंपनी का शेयर दे दो, ठीक है। तो यहां पे देखिए, तो यहां पे अब समझाते एक बात सुनिएगा,
क्या होता है यार, मान के चले कि अगर हम किसी कंपनी को परचेज कर लिए, तो जिस कंपनी को हम परचेज कर रहे हैं उसके अपने शेयर होल्डर होंगे, तो अपने जब उसके शेयर होल्डर होंगे तो उन लोग सब अपना अपना शेयर रखे हुए होंगे, तो हम जब कंपनी को अक्वायर कर लेंगे तो क्या कहेंगे, सब लोग अपना शेयर ला के हमको दे दो? नहीं, यहां पर क्या किया कि बोला क्या चाहिए कि ठीक है कन्वर्ट कर दो, तो जिनके पास ही मोहित लिमिटेड शेयर का नाम का था वह सब रोहित लिमिटेड के नाम का ट्रांसफर हो गया। तो कितना हो गया होगा, देखिए इधर टोटल पेड अप वैल्यू से काउंट करते हैं, लिक्विडेशन बताए थे, अनपेड वाला अमाउंट को हम काउंट नहीं करेंगे यहाँ पे। तो 45,000 टोटल पेड अप था क्योंकि 0.50 पेड अप था, एक का दाम 1.25 रह गया, और उन लोग बोले क्या चाहिए कि 0.40 हम लोग के पास जो उसका 0.40 ही मेजर कर करो, मतलब ज्यादा पैसा नहीं देंगे, 1.25 सम वैल्यू उसका नहीं करके देंगे, 0.40 मेजर करो। तो यहाँ पे 45,000 में 1.25 से डिवाइड कर दीजिए, ईच वैल्यू निकल जाएगा जो शेयर उसका पास है, शेयर होल्डर के पास में मोहित लिमिटेड का, उन सबका मेल वैल्यू निकल जाएगा, और एक शेयर का दाम 0.40 में मेजर किया, मतलब 14,400 का शेयर ऑलरेडी उन लोग के पास था, वह मोहित लिमिटेड के नाम का पहले होगा, कन्वर्ट हो गया तो रोहित लिमिटेड के नाम का हो गया, तो 14,400 का शेयर तो ऑलरेडी उन लोग के पास में है, टोटल बात कितना का हुआ था 72,000 का, तो 14,400 तो उन लोग के पास ऑलरेडी है, तो रिमेनिंग हमको एक्स्ट्रा कितना देना पड़ेगा, 57,600। यह वर्किंग नोट नंबर 2 आपका पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अगर इसमें अगर आपको किसी प्रकार का डाउट लगता है, अगर आपको नहीं बन रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है कि हमें फिर समझा दीजिए, आप हमें कॉल कर लीजिएगा, बता देंगे, ठीक है, डोंट वरी, इसमें टेंशन नहीं लीजिएगा। यहाँ तक वर्किंग नोट नंबर 2 राइट डाउन कीजिए, वर्किंग आपका हम चलते हैं आगे जर्नल एंट्री पे, ठीक है, इसको राइट डाउन कीजिए, नेक्स्ट चलते हैं। हाँ गाइस, यहाँ देखिए जर्नल एंट्री की तरफ चलते हैं, जर्नल एंट्री ध्यान दीजिएगा, जर्नल एंट्री में आपका पहला सेंड्री एसेट को रियलाइजेशन में ट्रांसफर करेंगे, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सेंड्री एसेट अकाउंट, या आपका 63,900, ठीक है। दूसरा लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट 10,500, या क्रेडिटर था। तीसरा परचेज कंसिडरेशन के ड्यू का एंट्री, रोहित लिमिटेड अकाउंट डेबिट, न्यू कंपनी रोहित लिमिटेड है ना, तो रोहित लिमिटेड अकाउंट डेबिट और टू रियलाइजेशन अकाउंट 72,000। यह आपका 3 एंट्री पूरा तरह से कंप्लीट, ठीक है। चौथा एंट्री की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। हाँ गाइस, चलिए ध्यान दीजिएगा, यह आपका एंट्री नंबर 4, इक्विटी शेयर अकाउंट डेबिट टू रोहित लिमिटेड अकाउंट, यार जो परचेज कंसिडरेशन था उसका पैसा शेयर के फॉर्म में मिला था, ठीक है, क्योंकि वह शेयर ही अक्वायर किए ना, रोहित लिमिटेड का नाम का जो शेयर कन्वर्ट हो गया था वह रोहित लिमिटेड के नाम का शेयर ही अक्वायर किया, तो शेयर अकाउंट डेबिट टू रोहित लिमिटेड 72,000 का, ठीक है। आगे यहाँ पे आपका इंटरनल लाइबिलिटीज को ट्रांसफर किया हूं, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट और टू शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट, यहाँ पे जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, रिटेन्ड अर्निंग कुछ और भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल दिया है तो उसी को डाले, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर होल्डर अकाउंट 90,000 का, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बीइंग इंटरनल लाइबिलिटीज ट्रांसफर टू शेयर होल्डर अकाउंट, ठीक है। यहां तक आपका एंट्री नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब एक बात, इसके बाद रियलाइजेशन अकाउंट बनाएंगे, रियलाइजेशन से अगर प्रॉफिट आता है तो प्रॉफिट का एंट्री करेंगे, लॉस आया तो लॉस का एंट्री करेंगे, ठीक है। चलते हैं रियलाइजेशन बनाते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस, यहाँ पे आगे चलते हैं, रियलाइजेशन अकाउंट बनाए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट हम बनाए, सेंड्री एसेट को ट्रांसफर किए, क्रेडिटर को ट्रांसफर किए, आपका परचेज कंसिडरेशन ट्रांसफर हुआ, ठीक है। यहाँ पे रियलाइजेशन का प्रॉफिट हमारा आया 18,600, 18,600, इसका एंट्री मैंने पहले नहीं लिखा था यार, यहाँ पे एंट्री नीचे कर दिया हूँ, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 18,600। यह आपका रियलाइजेशन अकाउंट तक कंप्लीट हो गया। अब सुनिए, यह आप राइट डाउन कर लीजिए, और यह रियलाइजेशन अकाउंट का एंट्री करने के साथ साथ आपका मोहित लिमिटेड के बुक में पूरा एंट्री कंप्लीट हो। हाँ गाइस, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 में आप रोहित लिमिटेड के बुक में एंट्री मत कीजिएगा, कुछ गलत टर्म भी दिया हुआ है, रॉन्ग एंट्री आ रहा है, समझना, इस कारण से उसको छोड़ दीजिएगा, ठीक है, सिर्फ मोहित लिमिटेड के बुक में एंट्री कीजिएगा, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, अच्छे से। हाँ गाइस, तो हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे भी पता है आपका स्टेटमेंट जैसा दिया हुआ है, आपको बैलेंस शीट बना के नहीं गिवेन है, यहाँ पे हमने मेमोरेंडम बैलेंस शीट हम बनाए, ठीक है। यहाँ देखिएगा,
मेमोरेंडम बैलेंस शीट बनाए, यहाँ पे लाइबिलिटी अमाउंट एसेट अमाउंट, ठीक है। आपके क्वेश्चन में फिक्स एसेट दिया हुआ है 62,000 का, करेंट एसेट दिया हुआ 33,000 का, आपका दिया हुआ था शेयर कैपिटल 90,000 का, जनरल रिजर्व 2,000 का और सैंड्री लाइबिलिटीज आपका 8,000 का दिया हुआ था, ठीक है। यहाँ देखिए टोटल लाइबिलिटी साइड ज्यादा था 1,00,000 का, 1,00,000 का लाइबिलिटी साइड हो गया। यहाँ पे बात करें तो एसेट साइड में हमारा बस ये दोनों इन्फॉर्मेशन दिया हुआ था और जिसको सम करके 95,000 आ रहा था, कितना आ रहा था 95,000। एक बात याद रखिएगा, अगर हमारा एसेट साइड में मतलब एसेट साइड में अगर बैलेंसिंग फिगर कम आ रहा हो, अगर सैंड्री एसेट्स का इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहेगा तो प्रॉफिट एंड लॉस डाल देंगे। इसके पहले वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट एंड लॉस गिवेन था तो सैंड्री एसेट के नाम से डाल दिए, लेकिन यहाँ पे एसेट तो ऑलरेडी गिवेन है ना, तो बैलेंसिंग जो आएगा वह 1,00,000 में से 95,000 माइनस कर दिए, 5,000 का प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट बैलेंस गिरा दिया, बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। या आपका वर्किंग नोट नंबर 1 पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, इसको राइट डाउन कीजिए। वर्किंग नोट नंबर 2 बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस, तो वर्किंग नोट नंबर 2 की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। वर्किंग नोट नंबर 2 आपका परचेज कंसिडरेशन के लिए निकाले। यहाँ पे देखिए कि आपका परचेज कंसिडरेशन क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ था। परचेज कंसिडरेशन कितना है, क्या अमाउंट है, कैसे फाइंड आउट करना है, यह आपको नहीं दिया हुआ था। और जब भी परचेज कंसिडरेशन के बारे में कुछ भी नहीं बोलेगा, हम नेट एसेट मेथड का यूज करेंगे, नेट एसेट मेथड का। और यहाँ पे देखिए परचेज कंसिडरेशन हमने निकाला, देयर परचेज कंसिडरेशन इज नॉट गिवेन, सो बी यूज नेट एसेट्स मेथड, हम लोग नेट एसेट मेथड का यूज करेंगे। यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन बराबर हो जाएगा टोटल एसेट्स माइनस एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, टोटल एसेट में क्या घटा देंगे एक्सटर्नल लाइबिलिटीज को। टोटल एसेट हमारा 95,000 का था, यहाँ पे हमारा 8,000 हमारा एक्सटर्नल लाइबिलिटीज था, तो हमारा परचेजिंग प्राइस कितना निकल गया 87,000, 87,000 का, ठीक है। यह आपका टोटल वर्किंग नोट नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम लोग जर्नल एंट्री करेंगे। यार बना बना के बता दे रहा हूँ, वीडियो ज्यादा लॉन्ग वैसे चलाया था इसलिए ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको डाउट लगेगा आप कॉल करके पूछ लीजिएगा, ठीक है। अब सुनिए जर्नल एंट्री की तरफ चलते हैं। जर्नल एंट्री सबसे पहले हम लोग वह कंपनी जो एब्जॉर्ब हो रही है उसके बुक में एंट्री करते हैं, और ऐसे भी इस क्वेश्चन में सिर्फ एब्जॉर्ब जो कंपनी हो रही है उसी के बुक में एंट्री करने बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ गाइस, यहाँ पे देखिए फर्स्ट एंट्री हम कर रहे हैं, यहाँ पे 3 एंट्री मैंने किया है। सबसे पहला एंट्री रिलेशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट अकाउंट टू करेंट एसेट अकाउंट, यहाँ पे फिक्स एसेट आपका 62,000 दिया हुआ है, करेंट एसेट 33,000, टोटल 95,000 हो गया, ठीक है। दूसरा लाइबिलिटीज आपका था 8,000 का, तो लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट 8,000 यहाँ पे आ गया, क्लियर। अब देखिए तीसरा, न्यू कंपनी जो अक्वायर कर रही थी मतलब जो एब्जॉर्ब कर रही है वह कंपनी का नाम है बलराम कंपनी, तो यहाँ पे बलराम कंपनी लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन का अमाउंट हमने 87,000 लिख दिया। यहाँ तक आपका 3 एंट्री कंप्लीट हो गया। अब चौथा एंट्री में चलते हैं। यार ध्यान दीजिए, इसमें सिर्फ जर्नल एंट्री करना है, जर्नल एंट्री और वर्किंग नोट एकदम प्रॉपर भी है, तो वर्किंग हाँ जर्नल एंट्री 3 तक कंप्लीट हो गया, 4 में चलते हैं, ध्यान दीजिए 4 से आगे बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हाँ गई आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पे आपका जर्नल एंट्री नंबर 4, यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन शेयर के फॉर्म में आया था। यहाँ देखिए तो शेयर अकाउंट डेबिट टू बलराम कंपनी लिमिटेड अकाउंट 87,000 का, यहाँ पे डिवेंचर का 5% प्रीमियम के साथ में, यहाँ देखिए तो डिवेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, या डिवेंचर का ड्यू किए, डिवेंचर के अमाउंट को कितना देना है या ड्यू किए, ठीक है। तो यहाँ पे 20,000 का डिवेंचर था, 5% प्रीमियम पे रिडीम करना तो 1,000 और टोटल 21,000, यहाँ तक ओके हो गया। अब देखिए इंटरनल लाइबिलिटीज को ट्रांसफर करेंगे, इंटरनल लाइबिलिटीज दोनों दिया होता शेयर कैपिटल और रिजर्व, तो शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट रिजर्व अकाउंट डेबिट और टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट 90,000 और टोटल 92,000, यहाँ तक आपका कंप्लीट हो गया पूरा। अभी एक बात देखिएगा, एक वर्किंग नोट आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ध्यान दीजिएगा। आपका टोटल परचेज कंसिडरेशन 87,000 आया, लेकिन आप यहाँ देखिए कि 1,000 प्रीमियम वाला भी पैसा तो पेड कर रहे हैं उसको ना, इस कारण से आपका टोटल पेबल अमाउंट 88,000 वहां दे रहा है आंसर में, ठीक है। यह आपका कंप्लीट हो गया, यही तक बोल रहा था इस क्वेश्चन में। एक चीज पता आपको सेकेंड ईयर में ध्यान रखना है, पता है यार क्वेश्चन में जितना बोलेगा आपको उतना ही करना है, कुछ भी आप एक्सेस मत कर दीजिएगा। अब यानी कि यहाँ पे रियलाइजेशन नहीं बोला था बनाने के लिए, आप रियलाइजेशन बना दिए,
अगर बोला कि मतलब एक कंपनी का एंट्री करना है, आपको दोनों कंपनी का एंट्री कर दें, तो यहाँ पता है पूरा आपका कट कर देगा। थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, जितना क्वेश्चन में बोलेगा आपको उतना ही बनाना है, क्योंकि आपके पास सफिशियंट टाइम होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। आपके लिए टास्क है, आप क्वेश्चन नंबर सॉरी एग्जाम्पल नंबर 2 बना करके भेज दीजिएगा। एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर सॉरी एग्जाम्पल 2 और 3 दो क्वेश्चन आप बना के हमें सेंड कर दीजिएगा। 2 और 3 एग्जाम्पल बोल रहे हैं, क्वेश्चन एग्जाम्पल 2 और 3। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय, सी यू।